हाय गाइस, तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले कद्दू को चॉप ऑफ करेंगे, अच्छे से काट लेंगे। अब एक पैन में मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसे बहुत अच्छे से हीट करेंगे, इतना कि उसमें से ऐसे धुआं निकलने लग जाए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आँच को स्लो कर देंगे। इसके बाद हम पंचफूरन मसाला बनाएंगे। पंचफूरन मसाला के लिए सबसे पहले ज़ीरा लेंगे एक कटोरी में। ये पांच मसालों से मिलके बनता है ज़ीरा। उसके बाद अब हम लेंगे थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी कम लेंगे क्योंकि कड़वा बना देती है खाने को। अब हम थोड़ी सी सौंफ लेंगे। इसके बाद अब हम थोड़ी सी मेथी दाना लेंगे जो कड़ी में डलता है, और लास्ट में हम लेंगे राई। तो इन पांच मसालों से मिलके पंचपूरन मसाला बन जाता है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो मसाला था, अब इसको जो सिम पे किया हुआ था हमने ऑयल पैन में, उसमें डाल देंगे। सिम पे रखेंगे क्योंकि ताकि मसाले ज़्यादा जले ना, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में मसाला जल जाता है। अब इसको थोड़ी देर तक, दो तीन मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब इसमें डालेंगे, मैं तो एक ही डालती हूँ, एक लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और एक कटी हुई हरी मिर्च। इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पिंपल्स की वजह से कम डालती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, मतलब स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इसको इसको तेल में ही मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ये कच्चा ना रहे, अदरवाइज़ ये अगर कद्दू के ऊपर डालते तो कई बार कच्चा रह जाता है। अब इसको हम बहुत अच्छे से पका लेंगे और स्लो फ्लेम में ही। अब इसमें हमने जो कद्दू काट के रखे थे उन कद्दूओं को डाल देंगे, कद्दू सीताफल जो भी बोलते हैं। इसे डाल के अब हम इसको ऑलमोस्ट लाइक सात से दस मिनट तक हम इसको, अब गैस की आंच थोड़ी सी बढ़ा देंगे, मीडियम या हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि कद्दू पक जाए अच्छे से। तो इसको हम पकाते रहेंगे ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट तक। इसको बार बार पलटते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना, इस तरीके से। तो 10-15 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब जब कद्दू ऑलमोस्ट 50% तक पक जाए, क्योंकि अब ये टूटने लगा है इजीली, इसका मतलब ये आधा पक चुका है, 50% तक ये पक चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे कड़वा हो जाता है खाना ज़्यादा से, इसलिए थोड़ी सी डालेंगे। अब कसूरी मेथी के बाद हम इसमें डालेंगे, अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। तो उस मसाले में पहले हम डालेंगे बहुत सारा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी मिर्च डाल भी चुके हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको पानी में इसलिए मिक्स किया है ताकि ये जब हम इसको कद्दू के ऊपर डालें तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए, लाइक एक ही जगह चिपके ना रहे। अगर पाउडर फॉर्म में डालते तो चिपक के आता है एक ही जगह। अब इसको ऐसे हम पूरा स्प्रिंकल कर देंगे, पूरे के पूरे जो कद्दू बन रहा होता है उसमें। अब इसको भी ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे हम इसको भी पका लेंगे, सो दैट मसाले कच्चे ना रहें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर खट्टेपन के लिए। अब इस आमचूर को भी बहुत अच्छे से, इसमें आमचूर एकदम एंड में डालते हैं जब ऑलमोस्ट कद्दू 90% तक पक जाता है। अब हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 2 चम्मच गुड़, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी खट्टी मीठी अच्छी लगती है।
तो वैसे इसमें दो चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं शुगर अवॉइड करती हूँ, सो मैंने इसमें दो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में उसको बना के गुड़ को इसमें गुड़ डाल दिया बहुत सारा, मतलब ऑलमोस्ट दो चम्मच। अब इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए, क्योंकि कद्दू ऑलमोस्ट पक चुका है। इसको ढक देंगे ताकि स्टीम से भी ये पक जाए थोड़ा सा। अब जो हमारी भंडारे वाली जो कद्दू की सब्ज़ी है खट्टी मीठी, वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। सो आई होप यू लाइक द रेसिपी, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।